प्रदेश में अब होटल मालिकों के ऊपर प्रशासन की तलवार लटक रही है। बस जिसकी गलती मिली उस पर ये तलवार बहुत जोर से चलेगी। ये तलवार अमेठी के रेनबो होटल के मालिक को चोट पहुंचा चुकी है, जिनके होटल को प्रशासन ने सील कर दिया। नमस्कार, मैं हूँ किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अगर आपका कोई होटल है या फिर आप किसी होटल को संभाल रहे हैं तो एक बार फिर से सारे नियम कायदे कानूनों को पढ़ लें और उसी हिसाब से तैयारियां भी कर लें, वरना नियम तोड़ने पर सीधे होटल को सील करने की कार्रवाई होगी। ऐसा कहने की वजह बनी है होटल्स के खिलाफ होने वाली कार्रवाई, जिनके मानक के हिसाब से ना बने होने पर सीधे उन्हें सील किया जा रहा है। दरअसल अमेठी कोतवाली के दुर्गापुर रोड पर मौजूद होटल रेनबो को एसडीएम और सीओ की निगरानी में सील कर दिया गया। मामले पर एसडीएम ने बताया कि सराय एक्ट के तहत सभी होटल्स की चेकिंग की जा रही है। जिन होटल्स ने सभी नियमों को दरकिनार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश मिला है। लिहाजा पूरे जिले में जितने भी होटल्स हैं उनके पंजीकरण से लेकर सारे नियमों को पूरा कराने की जानकारी ली जा रही है और जो भी होटल नियमों का उल्लंघन कर चुका है उनसे जवाब मांगते हुए कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसा ही रेनबो होटल के साथ हुआ। एसडीएम का कहना है कि होटल अवैध तरीके से चल रहा था, इनके पास पंजीकरण का कोई कागज ही नहीं था, ना ही यहाँ फायर सिस्टम का कोई इंतजाम था, लिहाजा होटल के मालिक को जवाब ना देने पर इसे सील किया गया है। होटल रेनबो है और कई दिनों से डीएम सर के द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि सराय एक्ट में होटल सारे पंजीकरण करा लें, अवसर भी दिया गया था पर्याप्त। उसके बाद तहसीलों और थानों के माध्यम से इन लोगों को नोटिस भी पहुंचाया गया था, तत्समय जवाब न देने और आवश्यक इंतजाम न करने के चलते और फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स भी ना करने के चलते ये कार्रवाई की गई है आज, और ऐसी और कार्रवाइयाँ भी होंगी। क्या क्या कमियाँ पाई गई इसमें? फायर सेफ्टी के सारे इंतजाम नहीं थे, कोई रेस्क्यू डोर नहीं था और एनओसी वगैरह भी प्राप्त नहीं थी, और अभी तो पता चला है कि इन्होंने अप्लाई भी नहीं किया हुआ। मैम बाल श्रमिक भी मिले हैं? जी, उसके लिए लेबर इंस्पेक्टर वगैरह आए, उन्होंने अपनी कार्रवाई की। इस बाबत सीओ लल्लन सिंह ने कहा कि सभी होटल्स के मालिकों को पहले ही नोटिस भेजा गया था और जिन लोगों ने जवाब नहीं दिए उनके खिलाफ प्रशासन के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। ये होटल रेनबो है, किंतु मानक के पूर्ण न करने के कारण कई बार नोटिस दिया गया, मामलों से बताया गया कि मानक के कार्य नहीं कर रहे, इस कारण इसके पूर्व भी इनको कई बार अवगत कराया गया। इन्होंने बार बार धोखा देते रहे कि मेरा होटल बंद है, मेरा होटल बंद है, होटल के नाम पर इन्होंने कुछ काम करते रहे जिस पर आज अचानक छापा मारकर इसको सील किया। इसके अलावा भी कई होटल हैं अमेठी में, क्या उन पर भी कार्रवाई जारी है? एसडीएम और सीओ की माने तो होटल रेनबो ने अपना पंजीकरण नहीं कराया, वहीं अंदर फायर सर्विसेज का बिल्कुल भी इंतजाम नहीं मिला। कई बार होटल के मालिक को नोटिस भी दिया गया लेकिन होटल के मालिक ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से रेनबो होटल को सील करना पड़ा। तो अब तक आपने सिर्फ खबरें सुनी थी कि प्रशासन कुछ ऐसा कदम उठाने वाला है, लेकिन अब अमेठी में रेनबो होटल के खिलाफ हुई ये कार्रवाई साबित कर रही है कि ये कोई हवा हवाई बातें नहीं थी, बल्कि इन नियमों को पूरा कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सख्त है। जिन्होंने भी नियम तोड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होकर ही रहेगी। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।